नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको जो है एक इंटरेस्टिंग व्हीकल मैं आपको दिखाऊंगा। एंड ये व्हीकल जो है अपने फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स के टाइम पे काफी फेमस हुआ करता था दोस्तों, एंड वेरी यूजफुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी था दोस्तों ये व्हीकल जो है। एंड इस व्हीकल का नाम जो है डबल डेकर बसेस है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के जमाने में वही डबल डेकर बस इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में आ चुका है। तो आज का वीडियो में मैं आपको जो है इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का ओवरव्यू मैं करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। कंप्लीटली ओवरव्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं हूँ आपका प्रनर, आप देख रहे पीआर टेक। तो वो कौन सा कंपनी है फिर से डबल डेकर बसेस को लाके आया है, ये सब कुछ जो है कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो नीचे लाल रंग को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं मेरे साथ यानी पीआर टेक के साथ। तो दोस्तों ये रहा द ब्रांड न्यू अशोक लीलैंड स्विच इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। जी हाँ दोस्तों, अशोक लीलैंड की तरफ से है ये बस जो है। आप देख सकते हो डबल डेकर का बस जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया है, एकदम फ्यूचरिस्टिक है दोस्तों। एंड इस व्हीकल का एप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि इसे आप सिटीज़ में चला सकते हो, टूरिज्म स्पॉट्स में चला सकते हो, एकदम बढ़िया है। काफ़ी टॉल भी है दोस्तों। एंड सेंटर प्रोफाइल में आप देखेंगे तो सेंटर में स्क्रोलिंग भी आपको मिलता है, जिसे आप इस व्हीकल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये आपको पता चल जाएगा। इस व्हीकल के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो काफी सिंपल एंड काफी मिनिमलिस्टिक है दोस्तों। एंड काफी वाइडर विंड स्क्रीन आपको मिलता है। एंड ऊपर आप टॉप पे बैठेंगे तो भी आपको जो है ड्राइवर एक्सपीरियंस का व्यू आपको जरूर मिलने वाला है, मगर टॉलर वर्जन पे आपको मिलता है। एंड उसी के साथ इस व्हीकल के लाइट्स के बारे में बात करेंगे तो काफी सिंपल एंड मिनिमल लाइट्स आपको मिलते हैं दोस्तों। दोनों तरफ आपको जो है डीआरएल्स मिलते हैं। एंड सेंटर में आपको स्विच का ब्रांडिंग आप देख सकते हो, नंबर प्लेट का सेक्शन आपको मिलता है, नीचे फॉग लाइट्स आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो आपको जो है डीआरएल्स आपको मिलते हैं दोनों साइड्स में, एंड दो हैलोजन लाइट्स आपको मिलते हैं, इंडिकेटर का लाइटिंग सिस्टम आपको मिलता है। तो इस तरह का लाइट्स है, जैसे कि आप देख रहे हो नजदीक के जाके देखेंगे तो इस तरह दिखते हैं। एंड ऊपर टॉल आपको मिलता है दोस्तों, एकदम बढ़िया सा है बस जो है, काफी बढ़िया है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो ये भी साइड ग्लासेस जो है ये भी काफी टॉल है दोस्तों। एंड ये बात नया है कि इस व्हीकल जो है कंप्लीटली सेंट्रली एसी है दोस्तों, आपको विंडोज जो है स्लाइड नहीं कर सकते, कंप्लीटली ग्लास विंडोज आपको मिलते हैं। एंड सेंटर में स्विच का ब्रांडिंग मिलता है। एंड इस व्हीकल का व्हील बेस जो है 4860 mm का व्हील बेस आपको मिलता है दोस्तों, थोड़ा नजदीक जैसा आपको दिखता है इतना बड़ा बस के ऊपर आप देखेंगे तो। एंड सेंटर में आपको जो है स्क्रोलिंग भी मिलता है, एंड उसी के साथ ये काफी टॉलर व्हीकल है ना, एंड ये स्ट्रिप भी काफी अट्रैक्टिव लुक आपको मिलता है दोस्तों। तो ये रहा साइड व्यू लुक के बारे में, एंड काफी टॉलर व्हीकल है, एकदम बढ़िया सा दिखता है। एंड कंप्लीटली बैक प्रोफाइल में देखेंगे तो एकदम टॉप जैसा लुक आपको मिलता है दोस्तों, ऊपर आपको स्क्रोलिंग मिलता है, सेंटर में आपको जो है इंजन का एग्जॉस्ट वेंट आपको मिलता है दोस्तों, यहां से गर्म हवा चल जाता है, यहां पर ही मेन इंजन रहता है दोस्तों। एंड नीचे आप देखेंगे तो स्विच का ब्रांडिंग, एंड यहाँ पर भी टेल लाइट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। एंड EVI22 का ब्रांडिंग आप देख सकते हो, ये पार्किंग सेंसर से। एंड नीचे आपको नंबर प्लेट का सेक्शन एंड अशोक लीलैंड का ब्रांडिंग लेफ्ट साइड में आपको मिलता है, जैसे कि आप स्विच एंड अशोक लीलैंड का ब्रांडिंग आप देख सकते हो। तो इस तरह का लुक है दोस्तों, कंप्लीटली बैक प्रोफाइल का लुक जो है इस तरह है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। इस व्हीकल में आपको दोनों तरफ भी आपको जो है सीढ़ियाँ मिलते हैं दोस्तों अंदर ऊपर जाने के लिए। तो इस तरह का लुक है, तो पहले सबसे ग्राउंड फ्लोर के लिए देखते हैं। तो इस तरह का ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों। इस व्हीकल का कंप्लीट कैपेसिटी जो है 65 सीट्स है दोस्तों, ड्राइवर को मिला के 66 है। तो इस तरह का है दोस्तों, कंप्लीटली सीट्स भी है, काफ़ी आरामदायक है। एंड ईवी है ना, कंप्लीटली ग्रीन कलर के लेआउट को जो है यूज़ किया गया है। एसी पोर्ट्स आपको मिलते हैं, एंड अंदर भी आपको स्क्रोलिंग का बार आपको मिलता है। तो इस तरह का है, तो चलिए ऊपर चढ़ के देखते हैं। तो मैं आगे से चढ़ के आया हूँ दोस्तों, इस तरह का व्यू आपको दिखता है, यहाँ पर भी सीट्स काफ़ी कम्फर्टेबल है। एंड इस तरह का लुक आपको मिलता है दोस्तों। एंड एक बार सामने जाके बैठेंगे भी दोस्तों, एंड यहाँ से आप देखेंगे तो कंप्लीटली व्यू जो है एकदम ऊपर से देखने को मिलता है दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर में जैसा बैठने का फीलिंग आता है। एंड यहाँ पर भी स्क्रोलिंग आपको मिलता है, एंड इस तरह यहाँ पर बैठेंगे तो एकदम कंप्लीटली अपना फर्स्ट फ्लोर व्यू आपको मिलता है दोस्तों, कोई भी बड़ा सा मशीन में जाने के जैसा आपको मिलता है। तो इस तरह का व्यू है, एकदम बढ़िया सा है दोस्तों, कंप्लीटली एयर कंडीशनर है, काफी कंफर्टेबल राइड जो है ये व्हीकल ऑफर करता है दोस्तों। तो इस तरह का व्यू आपको मिलता है दोस्तों। एंड ड्राइवर साइड के तरफ जाके देखेंगे तो ये जो है फिलहाल तो प्रोटोटाइप है, कुछ फिनिशेस अधूरे है दोस्तों। एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक व्हीकल है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है रेयर कैमरा, साइड कैमरा,
है सब कुछ, स्विचेस जो है अब ज़्यादा है एंड स्पीडोमीटर में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन को जो है आप एक्सेस कर सकते हो दोस्तों। एंड इस व्हीकल में आपको काफ़ी सारे फीचर्स है, रेयर कैमरा, बैक साइड कैमरा, ये सब कुछ कार के जैसा फीचर्स है। एंड चलाने के लिए इस व्हीकल को जो है काफ़ी सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं लाइटिंग के लिए। एंड इस व्हीकल में आपको जो है गियर नॉब नहीं है दोस्तों, डायरेक्टली बटन्स के साथ आप व्हीकल को जो है चला सकते हो। उसके सारे कैमरास अंदर भी कैमरास है, उसके भी साथ भी आप इसे व्यू कर सकते हो दोस्तों इस मॉनिटर को यूज़ करके। एंड इस व्हीकल में गियर नॉब्स नहीं है, डायरेक्टली बटन्स के साथ व्हीकल को चला सकते हो। एंड अब बात करते हैं इस व्हीकल के बैटरी स्पेक्स के बारे में एंड मोटर के बारे में। पहले मोटर के बारे में बात करेंगे तो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज एसी मोटर है दोस्तों। 235 किलोवाट का पावर है एंड 140 किलोवाट का कंटिन्यूस पीक पावर मिलता है। 3100 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट कर सकते हो। एंड इस व्हीकल को 3 घंटे चार्ज करेंगे तो 250 किलोमीटर का रेंज आपको मिलता है दोस्तों। एंड एयर सस्पेंशन के साथ आता है, एकदम बढ़िया सा राइड आपको मिलने वाला है। एंड ये स्विच मोबिलिटी जो है ऑलरेडी 200 बसेस का ऑर्डर ले चुका है दोस्तों। मुंबई सड़कों में ये जो है ये बस घूमने वाला है, एकदम ऑर्डर भी आ चुका है, रेडी टू गो वे है दोस्तों ये बस जो है। एडवांस फीचर्स के साथ ये बस आपको मुंबई में मिलने वाला है। तो दोस्तों ये रहा अशोक लीलैंड स्विच डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। इसी तरह लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। एंड ये व्हीकल के बारे में आपका क्या राय है नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो ये रहा आज का वीडियो, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट फ्राइडे एक और नए इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल रिव्यू के साथ। तब तक मैं हूं आपका PR Tech साइनिंग आउट। धन्यवाद।